अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगी रीगल फूड स्नैक्स की। थोड़े दिन पहले मैंने ऑर्डर किए थे ईद के लिए, सो इसमें बिस्किट्स हैं, स्नैक्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। तो चलें अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है। आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मुझे रीगल स्नैक्स की चीज़ें, सारे स्नैक्स, बिस्किट, एवरीथिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैंने कहा ईद के लिए ऑर्डर कर देती हूँ। सो सबसे पहले ऊपर ये रिसीट है, इस पे सारी डिटेल है कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने ली हैं और प्राइस वगैरह, यू नो नॉर्मली जो इनवॉइस होती है। ओ वाओ, सो वी हैव वाउचर। सो ये हमें 5 पाउंड्स का वाउचर सेंड किया है इन्होंने, लास्ट टाइम भी मुझे किया था। तो आई थिंक ये एवरी टाइम जब आप कुछ लो तो वाउचर्स भेजते हैं, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सो। सो ये काफ़ी कुछ है। आई मीन लास्ट टाइम मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी, इस बार मैंने फिर भी थोड़े कम स्नैक्स ऑर्डर किए हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, वन बाय वन सारी चीज़ें निकाल के दिखाती हूँ। मैंने इनके मैंगो जूस भी ऑर्डर किए थे लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक थे तो वो आए नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास है पफ पेस्ट्रीज। ओके, सो अगर आप इंग्लैंड में रहते हैं और आप पाकिस्तानी हैं और आपके घर में ये पफ पेस्ट्री नहीं है ना, तो टू बी ऑनेस्ट आप देसी नहीं हैं। एवरी सिंगल पाकिस्तानी घर में ये पफ पेस्ट्री तो ज़रूर होती है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ रीगल की। ये तो यू नो 100% जो है ना कन्फर्म्ड है कि पाकिस्तानी है, तो ये तो होनी ही चाहिए। ओके, सो देन नेक्स्ट हमारे पास है ये चिली एंड लेमन, आई थिंक, या चिली एंड लेमन स्पाइसी पोटैटो क्रिस्प्स हैं। बहुत स्पाइसी हैं ये, बहुत ही मज़े की हैं, चाय के साथ तो बहुत मज़े की लगती हैं। और मैं तो इसको ब्रेड में डाल के और वो सैंडविच सा बना के भी खाती हूँ। आई एम नॉट श्योर इस ये वियर्ड है कि नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही खाती हूँ, मुझे तो मज़ा आता है। और ये जस्ट 2 पाउंड्स का था एंड काफ़ी बिग पैकेट है, लाइक मैसिव है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं फिर तो दो तीन बार खाने से फिनिश हो जाता है। लेकिन यह है, इट्स अ बिग पैक फॉर 2 पाउंड्स, यू कांट गो रॉन्ग। द निम्को, ओके, निम्को तो मेरी जान है ना, आई लव निम्को। और इनकी जितनी भी निम्को की रेंज है ना, सब बहुत ही मज़े की हैं। मैंने इस बार जो है बस कश्मीरी मिक्स ऑर्डर की है क्योंकि मेरे पास लास्ट टाइम की अभी पड़ी हुई थी, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा नहीं ऑर्डर की। मैंने तो खट्टा बना के देन उसमें निम्को डाल के तो खानी होती है, टार्ट्रिक एसिड और लेमन डाल के, और मेरे मुंह में पानी आ रहा है अब। देन मैंने इनके ये क्रीम रोल ऑर्डर किए थे, आई नो यू, एज़ यू कैन सी, मतलब मैंने टोटल आई थिंक ये 18 है, 2, 4, 5, 15 है, ये 15 ऑफ देम। इन ये क्रीम रोल्स जो है ना पाकिस्तान में जो आप खाते हो ना, उनसे भी ज़बरदस्त हैं, बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है इनका। और मैं तो मिनिमम जो है मैंने 3 खाने होते हैं। सो या इसीलिए मैंने इतने ज़्यादा ऑर्डर किए हैं क्योंकि एक नहीं मैं खाती। देन कोकोनट बिस्किट्स हैं, ये भी बहुत मज़े के हैं। और इनकी मुझे सारी चीज़ें, जितने भी स्नैक्स बिस्किट्स हैं, सब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मेरे पास अभी लास्ट ऑर्डर के बिस्किट्स पड़े हुए थे इसलिए मैंने बस ये एक ही ऑर्डर किया है। नेक्स्ट मैंने पुडिंग बनानी है ईद पे, कस्टर्ड की और जाली की, उसके लिए भी मैंने ये कोकोनट केक्स ऑर्डर किए हैं, बहुत मज़े के होते हैं ये भी, अच्छा फ्लेवर आता है इनका जब इन्हें कस्टर्ड में मिक्स करते हैं ना। मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत यमी लगते हैं। सो उसके लिए भी मैंने ईद के डिज़र्ट के लिए ये मंगवाए हैं। देन नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है इनकी, ये वाले केक भी बहुत मज़े की हैं, ये मैं टेस्को जब भी जाऊँ टेस्को से लेके आती होती हूँ, अगर ख़त्म भी हो जाए तो। फिर मैंने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा ऑर्डर किए थे तो अभी मैंने फिर से कहा चलो आई विल जस्ट टॉप अप। तो ये मैंने ये 2 पैकेट्स मंगवाए हैं, एक में 18 है, मतलब एक पैकेट में 3 होते हैं, सो 6 × 3 = 18 × 2 = 36। सो वाओ, मैं मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है। तो ये फिर मैंने ऑर्डर किए हैं। देन अब मैं आपके साथ केक रस्क शेयर करूँगी। सो यह मैं पाकिस्तान में भी मैंने ऐसे केक रस्क नहीं खाए हैं, इनका फ्लेवर जो है ना वहाँ के केक रस्क से 120% जो है ना ज़्यादा मज़े का है, बहुत 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 अच्छे हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर है। और इसमें और भी फ्लेवर्स हैं, जैसे सौंफ वाले हैं, मुझे लगता है इलायची वाले भी हैं, लेकिन मैंने ओरिजिनल ऑर्डर किए हैं। सो लास्ट थिंग जो मैंने ऑर्डर की है वो है इनकी पेरी पेरी सॉस, हॉट एंड स्पाइसी, ये भी बहुत मज़े की है। रमज़ान पूरा मैंने जो है ना इनकी जितनी भी सॉस सारी यूज़ की थी, और इनकी सॉसेस जो हैं वो बेस्ट हैं, टेकवे वाली जो होती है ना सॉस, उनसे भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर है इनका।
सो ये था मेरा सारा रीगल स्नैक्स का ऑर्डर। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड आप मुझे बताइएगा आपको स्नैक्स में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है, मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो अगर आप यूके में रहते हैं तो ज़रूर रीगल से ऑर्डर करिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।